इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि परमेश्वर उनके लिए एक राजा भेजेगा, एक ऐसा राजा जो सबकी रक्षा करेगा, उन्हें अपनी शांति और आज़ादी मिलेगी। हमें यह नहीं मालूम है कि हमारा नया राजा कब तक आएगा। हमारे बाप दादा परदादा कहकर गए हैं कि वह ज़रूर आएगा। एक दिन अचानक गैब्रियल दूत आ पहुंचे। कौन है आप? मरियम, डरिए नहीं, मैं प्रभु का दूत गैब्रियल आपके लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मेरे लिए? हमारी जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप गर्भवती होंगी और ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ठीक है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही मेरे साथ हो। मरियम की यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्ग का दूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र को जन्म देगी। मेरी मरियम, यह कैसे हो सकता है? वे एक महान राजा होंगे, वे शांति के राजकुमार कहलाएंगे और तुम उनका नाम यीशु रखना। यह उस समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्तस ने जनगणना के लिए प्रदेश के सब लोगों को आदेश दिया कि सभी अपनी अपनी जगह लौट जाएं। यूसुफ मरियम के साथ अपनी पैतृक भूमि बैतलहम की ओर चले जाते हैं। चरवाहा भाई, क्या आप बता सकते हैं कि बैतलहम कितनी दूर है? बहुत लंबा सफर है। धन्यवाद। चिंता मत करो मरियम। मरियम गर्भवती थी और उनके प्रसव का समय निकट था। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं मरियम। हाँ, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, परंतु मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये लो मरियम, ठंडा पानी, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनिए, क्या आप जानती हैं कि सराय नामक स्थान कहाँ है? जी हाँ, इसी रास्ते पे थोड़ी ही दूर पर है। अच्छा, धन्यवाद। ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आपके साथ हो। आपके साथ ही। हम सराय के नजदीक पहुंच चुके हैं मरियम। क्या हम पहुंच गए? यूसुफ एक दरवाजा खटखटाते हुए।
कृपया बताइए आप कौन हैं? हमें एक कमरे की जरूरत है, क्या हमें एक कमरा मिल सकता है? अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है। परंतु हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, मेरे घर में तो जगह नहीं है, पर मेरी एक गौशाला है, आप चाहें तो आज की रात वहां पर बिता सकते हैं। शुक्रिया दोस्त, आपने बहुत मदद की। तत्पश्चात उस गौशाला में एक नन्ही बालक का जन्म होता है। बालक का नाम येसु रखेंगे। अब मरियम अपने बालक को एक कपड़े में लपेट देती है ताकि उसे गर्मी महसूस हो और वह चरनी में सो जाए। बालक येसु परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा से चरनी में लेटे हुए थे। पूरा स्वर्ग तैयार था बालक येसु के जन्म का संदेश फैलाने के लिए। उसी रात को बेतलहम शहर के बाहर चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। दूर के आते ही रोशनी उत्पन्न हुई, जिसको देखकर वे चरवाहे डर गए। अरे ये कौन है? डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बेतलहम में आपका उद्धार करने के लिए एक बालक जन्मा है। वे परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसका नाम येसु है। तुम उसे चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। यह मानव जाति के लिए खुशी का दिन है। जब चरवाहों की कहानी सुनी, उसे पता लगा कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरब देश के कुछ ज्योतिषियों ने आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखा। तीन ज्योतिषी पूरब देश से उस तारे को देखते हुए चलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वे तारा उन्हें कहाँ ले जा रहा है। तारे का पीछा करते हुए वे बेतलहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाला के ऊपर जा रुका जहाँ येसु का जन्म हुआ था। और ज्योतिषियों ने जान लिया कि वे बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। तारे को देखकर उसका पीछा करते हुए
हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम अपने बालक राजा के लिए भेंट लाए हैं। पहले राजा ने सोना अर्पित किया, दूसरे राजा ने लोबान अर्पित किया, तीसरे राजा ने कंद्रस अर्पित किया। शुक्रिया। सब खुशी से झूम उठे और परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे।